नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश जोर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आप सभी ने अगर मुख्यमंत्री सिक्को कमा योजना का फॉर्म डाला होगा तो आप सभी के मोबाइल पर लगभग लगभग ये सभी के पास मैसेज गया है। प्रिय अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री सिक्को कमा योजना के अंतर्गत आप प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित की गई रिक्तियों के लिए आवेदन करने एवं प्रतिष्ठान द्वारा भेजे गए अनुबंध को स्वीकार अस्वीकार करने हेतु आप तो mmskbhai.gov.in पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी मैसेज क्यों भेजा गया है आप सभी के पास, तो इसी के संबंध में आपको ये जानकारी देने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल दीपेश गौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि किसी को ये कन्फ्यूजन ना रहे कि ये मैसेज हमारे पास क्यों आया। तो चलिए एक बार आपको मैसेज पूरी तरीके से समझा लेते हैं। इसमें क्या बताया गया कि प्रिय अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री सिक्को कमा योजना के अंतर्गत आप प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित की गई रिक्तियां, मतलब आप सभी की लॉगिन आईडी में 1 अगस्त से सभी के पास रिक्तियां शो होने लगी है, अप्लाई का ऑप्शन आने लगा है। हमने जैसी लॉगिन आईडी ओपन की तो यहाँ पर हम रिक्ति वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर हमें अप्लाई करने करने का ऑप्शन देता है। अभी सर्वर डाउन के कारण ये लोड नहीं ले रहा है, परंतु आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन देता है। विभिन्न जितनी भी कंपनियां आपने सिलेक्ट किए, जितने भी सेक्टर आपने सिलेक्ट किए हैं सभी में आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। तो आपने जैसे अप्लाई किया तो यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी पेंडिंग पेंडिंग दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मैसेज का मतलब यही है कि अभी तक आपने जो आपके लॉगिन आईडी में जो आपने सेक्टरों में अप्लाई कर आपने नहीं किया है यदि, तो आप उसमें अप्लाई करें। इसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि जो मैसेज आपको मिला है वो इसीलिए है मिला है कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, सेक्टर में अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आपने mmskbhai.gov.in में लॉग इन करिए और उसमें अप्लाई कीजिए। और आप एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, सभी कंपनी में अप्लाई करिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने एक में अप्लाई कर दिया। अब देखिए मैंने यहाँ पर कितने 63 कंपनी में अप्लाई किया पर अभी में सभी का स्टेटस पेंडिंग है। अब बात करते हैं कि ये पेंडिंग स्टेटस क्यों जा रहा है। दोस्तों ये पेंडिंग स्टेटस इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमने आवेदन कब किया था 8/8/2023 को और आज कितनी तारीख हो चुकी है, आज हो चुकी है दोस्तों 11। ठीक है, आज 11 अगस्त हो चुकी है, मतलब कि पूरे तीन तीन दिन हो चुके हैं। ठीक है, अप्लाई किया हो उससे उसको अगर मिलाते हो टोटल 4 दिन हो चुके हैं पर अभी भी हमारी अप्लाई पेंडिंग क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पेंडिंग का ऑप्शन क्यों आ रहा है। इसमें से कोई भी एक कंपनी आपको आपके आवेदन को जब एक्सेप्ट करेगी तो यहाँ पर आपको पेंडिंग की जगह क्या लिखा आएगा, एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट मतलब आपको सिलेक्ट कर दिया और जो बाकी कंपनी वो धीरे से यहाँ पर आपको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपको 63 में से किसी एक कंपनी, आपने 10 कंपनी में अप्लाई किया तो उसमें से किसी एक कंपनी आपको अप्लाई करे। तो दोस्तों ये जिस कम सेक्टर में आपने अप्लाई किया उसमें बहुत युवाओं ने अप्लाई किया होगा, ऐसा नहीं कि केवल आपने अप्लाई किया है। ठीक है, पद 10 है पर 100 लोगों ने अप्लाई किया तो 100 में से केवल 10 युवाओं को ही उस सेक्टर में लिया जाएगा। तो इसलिए कंपनी पहले आपकी क्वालिफिकेशन देखेगी, आपके एजुकेशन को देखेगी, उसी आधार पर आपको सिलेक्ट करेगी। फिर यहाँ पर पेंडिंग की जगह यहाँ पर आपको लिखा आएगा एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक्सेप्टेड बाय कैंडिडेट लिखा आएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, आमंत्रण आवेदन की स्थिति। आमंत्रण आवेदन की स्थिति पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसकी पूरी जानकारी जब एक्सेप्टेड बाय कैंडिडेट लिखा आने लगेगा तब यहाँ पर आपको उसकी पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि आपके पास जितने भी अप्लाई करने के ऑप्शन आ रहे हैं रिक्तियां खोजे वाले ऑप्शन में तो सभी में अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि मैंने टोटल 63 अप्लाई का ऑप्शन आ रहा था तो मैंने सभी में अप्लाई कर दिया। अब इसमें से किसी ना किसी में तो हमें एक्सेप्टेड बाय कैंडिडेट लिखा आ जाएगा। ठीक है, पर आज 4 दिन हो चुके हैं अभी तक एक्सेप्टेड बाय कैंडिडेट लिखा नहीं आया तो आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, सभी के में एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट लिखा आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि ये मैसेज आया है तो इसे इग्नोर मत करिएगा, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से जाकर अप्लाई कर दीजिए और अगर आपने अप्लाई कर दिया है फिर भी आपको ये मैसेज आ रहा है तो मैसेज को इग्नोर कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।